क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट रिवर्स प्रोसेस में पूछा गया है। वहाँ पर आपको दो टर्म्स का डिफरेंस पूछा गया था और डी दिया हुआ था, यहाँ पर हमको दो टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है, ओके और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ था, और सॉरी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन था और दो टर्म्स का डिफरेंस पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको दो टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक। तो आपको गिवन क्या है, 18 टर्म और 14 टर्म का डिफरेंस कितना गिवन है, 32, ठीक है। तो देखिए ए 18 और माइनस ए 14 कितना गिवन है हमको, 32, ओके। तो ए 18 का मतलब 18 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 17 डी, तो ए प्लस 17 डी हो गया ये। माइनस 14 टर्म क्या हो जाएगा बताइए, ब्रैकेट में रखिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस है, तो ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 14 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 13, ओके ये हो गया ऐसा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 17 डी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस 13 डी इज इक्वल्स टू 32, करेक्ट। अब देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ गया आपके पास 17 डी माइनस 13 डी इज इक्वल्स टू 32। अब 17 डी माइनस 13 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 13 4 और साथ में डी इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से लेफ्ट में 4 से राइट में डिवाइड लगा दिया, 4 से 4 कैंसिल, 4 8 32, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ओके। तो द कॉमन डिफरेंस इज वॉट, 8, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए,